सिक्योर्ड हो गया है। यार रहमान जी के बाद जो भरपूर चांस मुझे रहमान ने दिया, उसके बाद सिद्धार्थ जैसे यंग टैलेंटेड कंपोजर इस तरह से सोचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सिद्धार्थ दोस्त भी है लेकिन सिद्धार्थ बहुत अच्छा कंपोजर है। इतना यंग है लेकिन इस तरह से टैलेंटेड है मैं आपको बता नहीं सकती। हर तरह से हर गाने को उन्होंने बहुत अच्छा से कंपोज किया, चाहे क्लासिकल हो, चाहे फोक हो, चाहे पॉप हो, बहुत अच्छा कंपोज किया। मुझे याद है जब पहली बार मैं गाने गई थी तो मैं सोच रही थी नया म्यूजिक डायरेक्टर होंगे, इतना यंग है पता नहीं कैसे, मन में ये सोच था। लेकिन जब मैंने कंपोजिशन सुना मुझे इतना अच्छा लगा, देखिए वाह। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत गाना गवाया, हर स्टाइल गवाया और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिद्धार्थ कश्यप जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को इस तरह से आगे लेके चल रहा है बहुत बढ़िया है। नए नए आर्टिस्ट को चांस दे रहा है, चांस मतलब सही चांस, ना कि किसी को गाना गवाना, उन्हीं को उसको स्केल लेके उसको जैसे डिटेलिंग में काम करके उसको वीडियो बना के प्रमोट करना बहुत बड़ी बात है। और आजकल तो आप जानते हैं ज़्यादातर लोग खुद कंपोज करते हैं, खुद गाते हैं, खुद पिक्चर करते हैं। उस दौर में सिद्धार्थ एक ऐसा चीज़ कर रहे हैं जो मुझे बहुत खुशी है, बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और बहुत बहुत बधाई या बहुत बहुत प्यार सिद्धार्थ को। You asked how is this video different from other videos. So basically, her video jo hota hai, in this particular scenario is always inspired by the audio. So Siddharth ji and his whole team of audio division, they make sure ki unka har audio apne pichle gaane se bahut different ho, bahut unique ho, uske andar apni ek unique style ho. And that is what actually inspires the video at the end of the day. Aur, वीडियो में भी हम कोशिश करते हैं कि हमेशा कुछ नया करने की ट्राई करें। आउट ऑफ ऑल द 25 वीडियोस व्हेन आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे एसके म्यूजिक वर्क्स, आप देखेंगे कि 25 वीडियो में से एक भी वीडियो एक यू नो दूसरे के साथ सिमिलर नहीं है। उनकी स्टाइल्स डिफरेंट है, उनके जॉनर्स डिफरेंट है, किसी में स्टोरी टेलिंग है, कोई बहुत बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी है, कोई फ्यूचरिस्टिक है, कोई बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। सो वी ट्राई टू इवॉल्व विद एवरी वीडियो एंड बट द इट ऑल बिगिंस विद अ न्यू डिफरेंट ऑडियो और बहुत चैलेंजिंग होता है एंड थैंकफुली वी हैव गॉट अ वेरी गुड टीम वीडियो में राइट फ्रॉम माय डीओपी। मेरा पैशन म्यूजिक डायरेक्शन है। मेरा प्रोफेशन मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और उसमें जितना मुझे समय मिलता है उसमें मैं करता हूँ। अच्छे डायरेक्टर है, अच्छी स्टोरी है तो उनके साथ में काम करेंगे, पर हम फ्री में नहीं करेंगे। वो अगर मेरी कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं करेंगे, क्योंकि मैं कुछ स्ट्रगलर म्यूजिक डायरेक्टर नहीं हूँ कि अपना सीडी कैसेट बना करके सब जगह घूमता रहूँ। और मैं वो म्यूज़िक करना चाहता हूँ जहाँ हम उस म्यूज़िक की कोई ना कोई वैल्यू दे सके। अगर कोई म्यूज़िकल फिल्म है जहाँ पर गानों को खाली बैकग्राउंड में गाने चलाने हैं और गाने का फिल्म का सब्जेक्ट म्यूजिकल नहीं है, नॉन म्यूजिकल फिल्म है, लेकिन उसके तो उसके लिए बहुत अच्छे मुझसे ज़्यादा अच्छा काम करने वाले लोग हैं, तो मैं अपनी टाइम और एनर्जी उसमें वेस्ट नहीं करना चाहता। और म्यूज़िक के लिए फिल्म है तो फिल्म एक हमारे लिए भारत के अंदर में बॉलीवुड म्यूज़िक सबसे सर्वोपरि है। आपकी आइडेंटिटी बॉलीवुड म्यूज़िक से बनती, लेकिन मेरा पर्सनल मत यह है कि अब आने वाले समय में जो डिजिटल डोमेन में सावन गाना और ये आए हैं, इसके बाद में जो सुनने वाले लोग हैं वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता ये गाना फिल्म का है या किसी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का है। तो अब आने वाला समय जो है वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए और म्यूज़िक के लिए और बेहतर होगा ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए हम ये करना चाहते हैं कि फिल्म में बहुत लिमिटेड स्कोप रह गया म्यूज़िक का और अब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और पॉप वाला जो 90s का एरा था उसके लिए। मैंने पहले हो सकता था माइकल जैक्सन बनने में 10 साल लगे हों, लेकिन टेलर स्विफ्ट को बनने में सिर्फ 48 घंटे लगे बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल एरा और डिजिटल रेवोल्यूशन। तो हम इंडिपेंडेंट म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए हमेशा काम करें। ये छुओ ना अगर यहाँ बैठे हैं उनको मैं आपको बताऊं कि ये टच मी नॉट नहीं ये, क्योंकि वो करना होता तो हम शायद 90s में करते, पर चूंकि हम अब कर रहे हैं तो इट इज़ टच मी है।
पुरवा ये किस मूड में गाना है, किस तरह के मूड में गाना है।